नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो देखना है प्रॉब्लम ऑन लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड किए है, जिसमें प्रॉब्लम्स जो है लिमिट एंड फिट्स के ऊपर मैंने सिंपल प्रॉब्लम्स लिए। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। अ 20 mm डायमीटर शाफ्ट एंड बेरिंग आर टू बी असेंबल्ड विथ ए क्लियरेंस फिट। नॉमिनल साइज क्या दिया है आपको? बेरिंग का, होल का और शाफ्ट का 20 mm दिया है और उसमें क्लियरेंस फिट ऑब्टेन होने वाला है। बाद में द टॉलरेंस एंड अलाउंस आर एज अंडर। आपको टॉलरेंस और अलाउंस दोनों भी दिए हैं। देख सकते हो अलाउंस है 0.002, टॉलरेंस ऑन होल इज 0.005 एंड टॉलरेंस ऑन शाफ्ट इज 0.003। फाइंड द लिमिट ऑफ साइज फॉर होल एंड शाफ्ट। आपको होल और शाफ्ट का दोनों का भी साइज आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कब? इफ होल बेसिस सिस्टम इज यूज्ड और शाफ्ट बेसिस सिस्टम इज यूज्ड, दोनों के लिए आपको उसके लिमिट ऑफ साइज आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? होल बेसिस है और यहाँ पे शाफ्ट बेसिस है, मतलब आपको दोनों भी सामने पता चलेगा। आंसर के लिए मैंने लिखा है फॉर होल। अभी होल बेसिस सिस्टम में क्या होना होता है वो पता जाना। अगर आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से समझ में आएगा। अगर होल बेसिस सिस्टम है तो क्या होता है, होल का जो लोअर लिमिट है वो क्या होता है, आपकी बेसिक साइज होता है या ज़ीरो होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे होल बनाया और ये होल का जो लोअर लिमिट है आपका, ये क्या रहेगा? आपका ज़ीरो रहेगा, ठीक। और वही अगर आपकी शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, आपका ये जो शाफ्ट का जो अपर लिमिट है, शाफ्ट का अपर लिमिट क्या होता है? आपका ज़ीरो होता है, ठीक। इसलिए आपका जो होल का जो लोअर लिमिट है वो क्या रहेगा? 20 रहेगा, क्योंकि आपकी साइज़ क्या है? 20 mm है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, लोअर होल लिमिट, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20। अभी होल का टॉलरेंस क्या दिया आपको? 0.005 दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 + 0.005 किया तो आपका क्या आया? 20.005। मतलब होल का लोअर लिमिट 20 आ गया और अपर लिमिट क्या आ गया? 20.005 आ गया। फिर उसके बाद अभी होल के लिमिट निकल गए, अभी शाफ्ट के निकालने हैं आपको। शाफ्ट के निकालने के लिए क्या है आपको, ये जो दोनों का असेंबली है, दोनों के असेंबली में आपका गैप कितना है? 0.002 का आपको अलाउंस दिया है वहाँ पे, क्योंकि क्लियरेंस फिट है। अभी शाफ्ट का आपको हायर लिमिट निकालना है। शाफ्ट का हायर लिमिट निकालने के क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी आपको होल का लोअर लिमिट पता है, माइनस क्या कर दो उसमें से, क्लियरेंस, ये जो आपका आपको अलाउंस दिया है वो माइनस कर दो। इसलिए मैंने क्या लिखा, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, हायर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अलाउंस। लोअर लिमिट ऑफ होल का साइज़ क्या है? 20 mm, और अलाउंस कितना दिया है आपको? 0.002 दिया है। तो इसकी वजह से क्या आ गया आपका, होल शाफ्ट का हायर लिमिट आ गया, कितना है वो? 19.998। अभी आपको शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंस दिया है, कितना दिया है? 0.003 दिया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा अभी, होल लोअर लिमिट इज इक्वल टू हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, हायर लिमिट क्या आ गया? 99.998 माइनस क्या करूँगा उसमें से मैं 0.003 माइनस कर दूँगा, तो वो कितना आएगा? 19.995। अभी दोनों भी की साइज़ आ गई, होल की भी साइज़ आ गई और इसकी भी साइज़ आ गई। सेम आपको फॉर शाफ्ट बेसिस सिस्टम के लिए करना है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट का जो अपर लिमिट होता है वो क्या होता है? आपकी बेसिक साइज, मतलब 20 रहेगा वो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ 20। अभी उसका लोअर लिमिट निकालना है। लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या कर लो, टॉलरेंस ऑन शाफ्ट कितना दिया है? 0.003। तो मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू 20 - 0.003, तो वो कितना आया? 19.997। मतलब देखो, ये 20 आया अपर लिमिट और ये क्या आया? 19.997। आई बात समझ में? तो अलाउंस कितना दिया है आपको अभी यहाँ पे, ये जो असेंबली होने वाली है आपकी यहाँ पे, तो ये कितना अलाउंस है? 0.002 है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लोअर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू, अभी मुझे ये निकालना था, अभी मुझे क्या निकालना था, लोअर लिमिट ऑफ होल मुझे ये निकालना है, ये साइज निकालना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मुझे हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट पता है कितना है? 20 है, और
वो असेंबली में कितने के गैप है, 0.002 का, इसलिए मैंने क्या लिखा, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट प्लस अलाउंस, तो वो कितना आया मेरा 20.002। अभी ये तो आ गया 20.002 और इसको जो होल का टॉलरेंस है वो कितना दिया है आपको 0.005। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में क्या करूँगा 0.5 माइक्रोन प्लस कर दूंगा, तो मुझ में क्या आ जाएगा, मेरा हायर लिमिट आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया मैंने, हायर लिमिट ऑफ ऑन होल इज इक्वल टू 20 प्लस 0.005, तो ये क्या आया 20.005। प्रॉब्लम सॉल्व आपका, ठीक है, थैंक यू।